तो देखिए आज मैं बनाई हूँ फ्रोजन मकेन निकाल करके फ्रिज से डायरेक्ट। ये फ्रेंच फ्राइज है और साथ में पोटैटो बॉल्स है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के रेसिपी में। तो मैं आज कुछ रेसिपी नहीं बनाने जा रही हूँ, आज मैं मकेन को कैसे फ्राइज करते हैं और किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये मकेन है जो रेडी टू ईट रहता है, सिर्फ इसे तलना रहता है और खाना रहता है। ये मकेन का चिल्ली गार्लिक पोटैटो बाइट है और ये मकेन का फ्रेंच फ्राइज है। ये हम अभी डीप फ्रीजर से तुरंत निकाले हैं और ये फ्रोजन रहता है। हम एक साइड कढ़ाई भी गर्म कर लिए हैं, अब इसको हम कट करके निकालते हैं। देखिए मैं निकाल ली हूँ दोनों को। ये चिल्ली गार्लिक पोटैटो बाइट है और ये फ्रेंच फ्राइज है। एकदम क्रंची है, देखिए आइसी है, आवाज से इसका पता चलेगा आपको। तो जितना यूज करना है, तलना है मेरे को, उतना मैं डायरेक्ट निकाल ली हूँ और बाकी को फिर से फ्रीजर में डाल दी हूँ क्योंकि ये फ्रोजन ही रखा जाता है। अब मैं कढ़ाई गर्म कर ली हूँ और डायरेक्ट कढ़ाई में आपको डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैं डाल देती हूँ और बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डालना है, जितना आप अच्छे से तल सकें उसको उतना ही डालना है। और इसे हम थोड़ा देर तक तलना है, ये नहीं कि दो मिनट में हो जाएगा, इसको तलने में 5 से 6 मिनट लगेगा। और इसे हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और तेज आंच पे तलेंगे, बहुत लो मीडियम फ्लेम पर नहीं तलेंगे, तेज आंच पर तलेंगे। और बर्तन हमेशा थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि जब हम डालते हैं, क्योंकि ये फ्रीजर से निकाला हुआ रहता है, इस पे आइस का लेयर जमा हुआ रहता है, ठंडा रहता है, तो हम इसको थोड़ा सा बबल्स टाइप का तेल में निकलता है, इसलिए बर्तन बड़ा लेंगे, छींटे भी पड़ने के चांस रहते हैं। और इसे हम 5 से 6 मिनट तक एकदम गोल्डन होने तक, बढ़िया क्रिस्पी होने तक तलते हैं। और इसको हम जब गेस्ट लोग आते हैं तो इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, या घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, बच्चे कभी कभी जिद करते हैं और बनाने का कुछ मन नहीं करता, तो ये सब स्नैक्स काम देता है इमरजेंसी में, तो आप भी रखा कीजिए। देखिए पकते हुए 3 मिनट हो गया है और थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। अब थोड़ा सा गैस मैं फ्लेम मीडियम कर दी हूँ और मीडियम करके अब लास्ट में थोड़ा बनाएंगे क्योंकि इससे क्रिस्पी होगा बढ़िया। अगर हम थोड़ा मीडियम करके नहीं बनाएंगे लास्ट में तो क्रिस्पी अंदर से नहीं होगा। अब जब लास्ट में हम मीडियम पर पकाएंगे, लो पर पकाएंगे, तो क्रिस्पी एकदम अंदर तक हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। आप जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना होटलों में भी खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, तो एकदम अंदर से क्रिस्पी नहीं होता, रीजन वही रहता है तो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बना देता है। ऊपर से तो देखने में गोल्डन हो जाता है लेकिन अंदर से वो क्रिस्पी नहीं हो पाता है। आप अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देखिए तलते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है और ये अब परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ और निकालते समय गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देती हूँ, उसके बाद पूरा निकाल लेती हूँ। तो देखिए हम एक राउंड निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड डालने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि जैसे कढ़ाई में तेल गर्म है और ठंडा डालने से वो हाथ जलने का चांस रहता है, तो हम डायरेक्ट झारे में इसको डाल लेते हैं और इसको डायरेक्ट तेल में, हाथ तो दूर हो गया, अब इसे हम तेल में झारे से ही डालते हैं। इस प्रकार हमारे हाथ में तेल नहीं पड़ेंगे और इसे भी सेम उसी तरह प्रकार हम तल लेते हैं। तलने में पूरे मैं 8 मिनट लगाई लेकिन इसको पोटैटो बाइट्स को हम थोड़ा उससे कम समय में तैयार करेंगे, इसे हम 4 से 6 मिनट में ही तैयार कर लेंगे। और चूंकि फ्रेंच फ्राइज सादा रहता है तो इसमें टेस्ट के अनुसार सब कुछ डालना पड़ेगा, तो आइए डालते हैं।
तो हम टेस्ट के अनुसार काला नमक इसमें डाल रहे हैं, आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। और ऐसे हाथ से ही डालेंगे, चम्मच से डालने से ज्यादा डल जाता है। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप इसमें चाट मसाला या जो भी आप पसंद करते होंगे वो मसाला डालिए और इस प्रकार इसे मिक्स कीजिए। देखिए इसका आवाज आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है। देखिए लीजिए, टेस्ट करके देखिए, बहुत टेस्टी बना है। और देखिए अंदर से कितना क्रंची बना, एकदम हल्का है अंदर से, एकदम अंदर तक बन गया है क्रंची। अब हम उसको तैयार करते हैं। तो देखिए ये पोटैटो बॉल्स भी अब तैयार हो गया है, इसको भी हम सेम तरीके से तल लिए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम तल के पूरा को निकाल लिए हैं, अब इसे भी हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये भी अंदर तक पक गया है, देखिए ये भी अंदर तक पक गया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। आप इसे सॉस के साथ सर्व कीजिए या किसी तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन केचप के साथ ज्यादा बढ़िया लगता है। तो चलिए अब इसका आनंद लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।